हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग है, मतलब मेरा नाम है प्रियंका शर्मा। डेली रूटीन ब्लॉग में आपका स्वागत है। और है ना, मतलब आज मुझे थोड़ी सी आपसे बातें करनी है गाइस, कि मैं 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब ज्वाइन तो कर लिया है कुछ सोच के कि हाँ, मतलब थोड़ी किस्मत हमारी भी पलट जाएगी, वही यूट्यूब पे करके देखते हैं। लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ मैं, ब्लॉग कैसे बनाऊँ, और मुझे बनाना भी नहीं आता है कुछ। मतलब ऐसे मन सा, मतलब मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मतलब क्या, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक है ना, एक मेरा शरीर बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहा है गाइस, क्योंकि मैं, मेरी तबीयत ख़राब रहती है। एक दिन सही रहती है, दूसरे दिन फिर मेरी ख़राब हो जाती है तबीयत। तो इसलिए ना समझ में नहीं आ रहा है कि यूट्यूब पे मैं चल पाऊँगी नहीं चल पाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत दिक्कत हो रही है मुझे वीडियो बनाने में, बहुत परेशानी होती है मुझे। और है ना, वीडियो शूट हो जाता कैसे, जैसे कि मतलब शूट कर लेती हूँ, अच्छा शूट भी नहीं होता है, और बोल आवाज़ भी मेरी मतलब अजीब सी मुझे लगती है, पता नहीं कैसी, ढंग से मुझे बोला भी नहीं जाता मुझसे। तो अभी मतलब क्या करूँ मैं, ब्लॉगिंग करूँ नहीं करूँ, अभी दोनों बातों में फंसी हुई। नहीं करूँगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अगर कर रही हूँ, चल नहीं रहे हैं, चलेंगे, मतलब खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैं सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मुझे क्या कन्फ्यूज़न हो रही है, क्या नहीं हो रही, मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ब्लॉग इसी वजह से नहीं आ रहे, कुछ तो मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं काम ऐसे जैसे कर लेती हूँ, लेकिन ना अभी मेरा रूटीन बिगड़ा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है गाइस। तो मेरा रूटीन बिगड़ गया बिल्कुल। और दूसरी बात है ना, एक वीडियो का थोड़ा सा वो रहता है कि कैसे शूट करूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, मैं बहुत ही कम जाती हूँ बाहर। तो मतलब बाहर का भी मैं क्या बनाऊँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मोटिवेशन लेती रहती हूँ वीडियो में, मैं देखती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छा मतलब समझ में आता ही नहीं है। तो पहले जब शुरुआत थी तब तो मुझे शौक चढ़ रहा था वीडियो का, कि वीडियो बनाना है मुझे, कोई कुछ करना है, कुछ वो हो जाए भाई, थोड़ा सा चेंज आ जाए लाइफ। इसलिए मतलब वीडियो मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया था गाइस, कि मतलब कुछ लाइफ में चेंज आ जाए। मिडिल क्लास है लाइफ, तो आपको पता ही है गाइस की कौन सी स्थिति में है। तो बस थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पूछते हैं लोग, मतलब वीडियो मेरे कमेंट तो इतने नहीं आते हैं, क्योंकि है ना इतना वीडियो चलता ही नहीं है, शायद वीडियो में कमी होगी। लेकिन है ना, पूछते हैं कि वीडियो क्यों नहीं डालती है, रिश्तेदार भी, मेरे घर वाले भी, मेरी सास भी फ़ोन करती है, मतलब यहाँ रहती नहीं है, बाहर रहती है मेरी सास, तो वो फ़ोन करती है तू वीडियो क्यों नहीं डाली, तेरे इतना चाव था तू वीडियो क्यों नहीं डालती। लेकिन मैं उनको क्या बताऊँ, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ कैसे बनाऊँ क्या डालूँ उसमें, कुछ माइंड में कुछ ही नहीं सेट हो रहा है। और अभी मतलब मार्केट में हम निकलते हैं, कई बार जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ मुझे इतनी शर्म आती है, फ़ोन ऐसे वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता है मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि है ना शायद आदत पड़ेगी, धीरे धीरे मैं समझने लग जाऊँगी हाँ मेरा काम है, लेकिन अभी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ी सलाह दीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पे कैसा क्या वीडियो बनाऊँ, आपको क्या मतलब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मतलब बस मैं आपसे ये बातें मैं करना चाहती थी, तो थोड़ा सा मतलब
बोल जाता है, थोड़ी बातें हो जाती, मन हल्का हो जाता है कि मतलब मैं आप मुझे कुछ कमेंट करो इससे पहले ही मैं बोल देती हूँ कि मेरे वीडियोस नहीं होंगे अच्छे, शायद नहीं है भाई, मतलब मैं कह नहीं सकती क्योंकि मुझे अभी नहीं है नॉलेज इस सब चीज़ों की, धीरे धीरे नॉलेज होगी, शायद किस्मत ही ख़राब है गाइस, क्योंकि अगर किस्मत सही होती तो परफेक्ट वीडियो जाते मेरे भी लेकिन नहीं जा रहे हैं, तो अभी किस्मत भी पलटेगी, ऊपर वाला जब जाएगा तभी आएगा भी, मतलब किस्मत जब ही पलटेगी, अभी हमारे जाने से कुछ होता तो है नहीं, देखिए हम तो कर सकते हैं जो करना होता है। हर रही बात मेहनत की, तो मेहनत मैं ज़रूर करूँगी गाइस, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे है ना, अभी मैं तक थोड़ी सी है ना तबीयत मेरी ठीक नहीं है ना, तो मुझसे मेहनत हो भी नहीं पा रही, अब आप देख रहे होंगे मेरे फेस से कि हाँ भाई मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मेरे फेस पे पता चल जाता है जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ वीडियो, मेरे 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए मेरे वीडियो नहीं आया है, और बोलते हैं बनाते रहिए, लेकिन बनाते रहिए बट बनाऊँ किस चीज़, क्या बनाऊँ मेरे समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा है गाइस, तो बस प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए और कमेंट में कुछ तो डालिए, कुछ तो बताइए मुझे किस चीज़ में मैं कैसा वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्योंकि है ना अब क्या बताऊँ मैं आपको तो मतलब ये होता है कि वो एक स्टैंड मैंने कैसे जैसे करके एक स्टैंड मंगवाया था, तो वो भी बच्चों ने तोड़ दिया, तो हस्बैंड बोल रहे कि स्टैंड मंगवा दूँगा, और जो मेरे हस्बैंड ऐसे बोलते जो होता है तो वो कर ले, वो नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ तुझे वीडियो के लिए करना है ना, दुनिया जो तुझे पसंद करेगी वो तू रियल जो रहेगी वो ही तुझे पसंद करेगी, जो बनावटी कुछ भी नहीं करना है तुझे, लेकिन मैं रियली हूँ गाइस, क्योंकि अभी धीरे धीरे ना देखो कुछ तो एक एडिटिंग वगैरह का बहुत फ़र्क पड़ता है वीडियो में, क्योंकि एडिट वगैरह अच्छे से हो जाता है तो कैसा भी वीडियो अच्छा लगता है, लेकिन वो है ना अभी थोड़ा थोड़ा मुझे मतलब आता है काम, मतलब धीरे धीरे आदमी सीखता है, बोलते हैं ना कि रोटी अगर बहुत आसान है बनानी लेकिन जिसको नहीं आती उसके लिए बहुत बड़ी बात है, रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, तो धीरे धीरे आसान लगने लग जाती है चीज़ें, लेकिन अभी नहीं मतलब लगती है मुझे आसान, तो अभी मैं धीरे धीरे सीखूँगी गाइस, और एक मन कर रहा है करना है मुझे, मैं करूँगी मेरे बच्चों के लिए करूँगी, मेरे हस्बैंड के लिए करूँगी, और दूसरा मन करता है कि कितनी परेशानी है, मतलब नहीं हो पा रहा है, इतनी मैंने टेंशन ले रखी है दिमाग में कि वीडियो का काम मुझसे नहीं हो रहा है, और सबसे ज़्यादा पता जब घर वाले राजी नहीं थे वीडियो के लिए तब मेरा ही मन करता था मैं काश वीडियो बना लूँ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, हमारी भी किस्मत पलट जाएगी, लेकिन शायद किस्मत में है ही नहीं कुछ भी आदमी वहाँ से लिखवा के लाता है गाइस, वैसे ही वो जीतता है, तो बस अभी मतलब मैं आपसे दो बातें कर ली हूँ गाइस, तो अभी चलिए थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ, तो खाना बनाएंगे, शाम का वक्त हो चुका है गाइस, तो मैंने दवाई ली थी तो थोड़ी देर मैंने आराम भी किया था, और खाना तो मुझे बनाना ही है, तो गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, कुकर में ही छोक दूँगी, और अभी रोटी सेक लेती हूँ, तो अभी आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो का यही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, ज़रा सा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ गाइस, अभी रोटी सब्जी बन चुकी है, तो राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, कृपा रहे आप लोगों पे भगवान की और मुझ पे भी और आप लोग भी प्लीज़ कृपा दिखाइएगा मुझ पे, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, तो अभी मैं वीडियो का यही एंड करती हूँ, तो बाय।